हाँ तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 10 एनसीईआरटी से साइंस का चैप्टर आपका है 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से पार्ट 1 है। तो इस पार्ट 1 में पहले आप समझे लाइट, यहाँ टर्म आया है आपका क्या लाइट मतलब प्रकाश। आप देख सकते हैं इस रूम में, इस क्लास के क्लासरूम लेक्चर में आप देख सकते हैं स्पष्ट से ब्लैक बोर्ड पर कोई वर्ड जो लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, यानी इस पे लाइट पड़ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे और आपके आई पर पड़ रही है, जिसका इमेज हमारे रेटिना पर बन रहा है। तो इसको आप समझ सकते हैं वैसे लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में आती है। जैसे सन, सन से जो प्रकाश आता है, लाइट आता है हमारे पास, वह एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो आप बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन ट्रेवल वैक्यूम एज वेल एज डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग एक्सटर्नली शॉर्ट वेवलेंथ विद इन द रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। वैसे यहाँ पर टर्म आपका है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेसिकली लाइट की ट्रेवल से एसोसिएटेड दो फेनोमेना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपका बल्ब ग्लो कर रहा है या कोई भी लाइट सोर्स है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है या कोई लाइट सोर्स है, ठीक है। अब इससे यहाँ मेज पर आपके रूम में बुक पड़ी हुई है और इस बुक को आप पढ़ने पढ़ रहे हैं, तो बल्ब को ग्लो कराए तो यहाँ से एक लाइट आएगी एनर्जी के फॉर्म में। और यहाँ पर आप चेयर लगा के बैठे हुए हैं तो आपके आई बटन पर यह क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्टेड होगी। यानी यहाँ पर दो फेनोमेना, एक लाइट आ रही है और वह बुक पर पड़ रही है और बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पर पड़ रही है। तो हाँ, इसके बहुत से बात किए जाए तो चर्चा किए जाए तो बहुत से प्रोसेस है। हम लोग आते हैं ठीक सिलेबस की तरफ। आइए देखा, तो पहला पॉइंट हमने बताया, हेडिंग डालेंगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हेडिंग डालेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए पहला हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन मिरर, यहां मैं लिख देता हूं ऑन अ प्लेन मिरर। अब देखिए इसका लॉ है, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप समझ किस तरह से समझेंगे, यहां देखिए ये आपका एक मिरर है, मिरर में एक तरफ पॉलिश होता है, सिल्वर कोटेड होता है और दूसरे तरफ स्मूथ सरफेस होता है, जिसको लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से एक रे आ रही है, इस सरफेस पर पड़ रही है एमएम जैसे, ठीक है। तो इस जो रे आ रही है, इस रे को आप क्या बोलेंगे, तो इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और यह टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे आप। और यह एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें, ये ओ और ये क्या है यह, ये ए हो गया, यह बी हो गया। तो जो नॉर्मल से एंगल बनाते हुए जा रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल को क्या हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। गज अच्छा कंसेप्ट, आराम से पढ़िए, बिल्कुल बेचैनी नहीं है, आप समझते चलेंगे तो आपको लर्न होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या है इसका,
पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द लाइन, ब्रैकेट में लिखें, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे याद करने के लिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्म, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं इसको वर्ड में लिखता हूं, ठीक है, द इंसिडेंट रे कम रिफ्लेक्टेड रे एंड एंड द नॉर्म, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ध्यान दो, मतलब ये जो वहां पर इंसिडेंट, इंसिडेंट रे जहां पर स्ट्राइक हो रही है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सारे के सारे, जैसे ये क्या है, 2D है, तो सब एक ही प्लेन पे है। जैसे आप अपने कॉपी में फिगर बनाते हैं तो एक प्लेन हो गया, 2D डायग्राम हो गया, ठीक है, तो सारे एक ही प्लेन पे मिलेंगे। पहली बात, पहला लॉ हो गया, दूसरा लॉ, दूसरा लॉ देखें, सेकेंड लॉ आपको ध्यान समझे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। इसका मतलब दैट इज एंगल ए ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, एंड द एंगल एन ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। हेंस वी कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बहुत पूछता है। फर्स्ट क्या कहेंगे कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट, मतलब एक ही बिंदु पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ब्रैकेट क्लोज, ऑल लाइज इन द सेम। दूसरा कंसेप्ट क्या बताया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई is always equal to the angle of reflection। अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन, फिल्म में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इवेंट। देखिए, याद रखिए, आगे बहुत ही मजा आएगा, बेसिक चल रहे हैं, बेसिक पॉइंट आप पढ़ते चल रहे हैं, आगे बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि आपके फिजिक्स, साइंस में, फिजिक्स में आपके दो ही यूनिट हैं, जैसे एक ये यूनिट है, एक यूनिट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन्हीं दो यूनिट से आपको न्यूमेरिकल आता है, बाकी और न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स में नहीं है, और घबराने की कोशिश ना करें, याद करते चले। इसका मतलब देखिए, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपके पास ये प्लेन मिरर है,
ये पानी से किया गया आइए क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहां पर ये सोहन है, ये सोहन यहां पर खड़ा है तो इसका जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, कहां बनेगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, कहां बना बिहाइंड द मिरर बना। दूसरी बात, जितना ये प्लेन मिरर के फ्रंट साइड से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, और जो इमेज बनेगा ये कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि सर नीचे हो गया पैर क्या हो गया ऊपर हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं ये देखिए दूसरा पॉइंट कैसे याद करेंगे, जितना डिस्टेंस इधर होगा आपका उतना ही डिस्टेंस इधर होगा। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड पॉइंट में द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमेशा ऑब्जेक्ट को चाहे मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो या कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है ये भी याद रखें। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज इक्वल, फ्रंट ऑफ अ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फार बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना, फार डिस्टेंस ऑफ इमेज फार बिहाइंड द मिरर, फार बिहाइंड द मिरर, यानी जो प्लेन मिरर के फ्रंट साइड में जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बिहाइंड प्लेन मिरर के डिस्टेंस पर क्या बनेगा आपका इमेज बनेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, जितनी इसकी हाइट होगी सोहन की उतनी हाइट जो इमेज बनेगा उसका होगा। तो थर्ड पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, थर्ड पॉइंट में आप याद कर सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी या लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी हाइट होगी वही आपके इमेज की हाइट होगी। अब इसका लास्ट पॉइंट एक है इंपॉर्टेंट, ध्यान समझे, आप देखे होंगे एम्बुलेंस में लिखा रहता है आगे शीशे पर लेटरली वर्ड में, यानी उल्टा अक्षर में। आज जब हम अपन गाड़ी चलाते हुए बाइक चलाते हुए जाते हैं एम्बुलेंस पीछे से जाता है तो हमारे मिरर में कैसा दिखाई देता है सीधा दिखाई देता है, इसलिए उसमें क्या लिखा रहता है वहां पे उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, यानी फोर्थ पॉइंट में कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्म होगा तो लेटरली, क्या होगा लेटरली, प्लेन मिरर इज laterally sideways inverted, ठीक है। ये फोर पॉइंट हुआ, अब ध्यान से समझे। अब हम लोग इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें या वीडियो को पास करके नोट कर लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर, क्या देखते हैं स्फेरिकल मिरर को देखते हैं, ठीक है, नोट कर लें जल्दी से विस्तार को। चल याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि द इंसिडेंट रे लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ब्रैकेट में लिखेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइक इन द सेम प्लेन। सेकेंड पॉइंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, and that is angle I is equal to angle R. Image formation first बताया हमने कि image formed by the mirror
प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इवेंट। सेकेंड बताया कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फ्रंट ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर बिहाइंड द मिरर। जितना डिस्टेंस पर इमेज सोहन खड़ा होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनेगा, और जितना साइज सोहन का होगा उतना ही साइज जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में उसका होगा। तो हम लोग कह सकते हैं थर्ड पॉइंट की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट जो हम लिखे हैं इसको समझे, इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज लेटरली साइड वाइज इन्वर्टेड। जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर अगर पी को आप लिखा हुआ तो यह पी कैसा पड़ेगा, यानी पी का इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ नाइन लिखा हुआ है नाइन, यह नाइन कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो मैं भी चाहता हूँ और इसको याद रखें। ठीक है, अब आप फेर डालेंगे स्फेरिकल मिरर, क्या डालेंगे स्फेरिकल मिरर। आइए स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब स्फेरिकल मिरर को ध्यान से आप समझे क्या है, आई बात समझ में। तो स्फेरिकल मिरर में आप देख सकते हैं, जैसे ये स्फेयर है, इस स्फेयर को ये बीच में इसका क्या है सेंटर, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। और इसको इतना पार्ट कट कर दिया जाए, कट करके बाहर निकाला जाए इतना पार्ट, और ये क्या हो जाए इधर आउटसाइड द सेंटर पॉलिश कर दिया जाए। तो आउटसाइड द सेंटर पॉलिश हो और इनर साइड द सेंटर क्या हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कनकेव मिरर बोलते हैं। कैसे याद करेंगे, बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर आपका ये चीज है। ठीक है, तो इसको कट करके बाहर निकाल दिया और ये क्या है देखिए स्मूथ है और ये क्या है आपका रफ है। तो ये रफ से आउटसाइड द स्फेयर रफ और इनर साइड द सेंटर साइड ऑफ द, या कह सकते हैं इसको आप कर्व इनवर्ड। ये कर्व क्या है इनवर्ड है, तो कर्व इनवर्ड यानी स्फेयर के अंदर का पार्ट क्या हो स्मूथली रफ क्या हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो यानी स्मूथ हो। तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे कनकेव मिरर, यानी जो है ये पॉलिश आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द सेंटर पॉलिश है, आइनर साइड द सेंटर पॉलिश नहीं है। तो कैसा बनाया गया उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया, तो कर्व इनवर्ड, कर्व इनवर्ड हुआ कर्व इन वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कर्व इनवर्ड। अब देखिए और ये इधर आपका क्या हो गया सेंटर। दूसरी बात इधर का पार्ट को हमने कट कर दिया, ठीक है, ये तो हम लोगों का एक्स एक्स डैश हो गया। इस पार्ट को हम लेते हैं, यानी अगर इधर मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखिए यहां समझिए, ये आपके पास कट किया आउटसाइड द सेंटर पॉलिश है, आउटसाइड द सेंटर पॉलिश है यानी आउटसाइड का फिगर में कैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल कांटे जैसे दिखाई दे रहा है। और इधर देखिए इनर साइड द स्फीयर क्या कर दिया हमने पॉलिश कर दिया, यानी आउटसाइड द सेंटर क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इस में देखिए आप इनर साइड द सेंटर क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इस तरह के मिरर को आप क्या कहेंगे कनकेव मिरर बोलेंगे, क्या बोलेंगे कनकेव मिरर, और इसको क्या बोलेंगे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, ये कर्व इनवर्ड है और कन्वेक्स मिरर में कर्व आउटवर्ड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्व
आउटवर्ड है और यहां पर कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है, ठीक है। तो अब यहां पर कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड और कर्व आउटवर्ड, यानी यहां पर आप कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड ओआर कर्व आउटवर्ड, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड ओआर कर्व आउटवर्ड, इसे आप और क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ओआर टू अवे द सेंटर, टू अवे द सेंटर, यानी जो आपका क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ओआर टू अवे द सेंटर, ठीक है, यानी सेंटर से दूर, टू अवे द सेंटर। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में आपका जो ये पार्ट है, यहां पर देखें ये जो पार्ट है, इधर क्या है कर्व इनवर्ड है और ये क्या हो गया कर्व आउटवर्ड, ये कर्व आउटवर्ड क्या हो गया आपका स्मूथ हो गया, और ये कर्व इनवर्ड क्या है स्मूथ, मतलब ये कर्व इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कर्व आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर, आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर, सेंटर से दूर बाहरी वाला पार्ट क्या हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उस तरह के मिरर को आप क्या बोलेंगे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। इससे हम लोग कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट क्या बोल सकते हैं तो कॉनकेव मिरर, सेकेंड क्या है आपका कन्वेक्स मिरर। अब आपका क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यहां से आप डिफिनेशन बना सकते हैं कॉनकेव मिरर का, क्या बना सकते हैं कॉनकेव मिरर आर स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर आर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर आर स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो टुवर्ड्स द सेंटर ओआर कर्व इनवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, ऑफ अ स्फीयर। दूसरा कन्वेक्स मिरर, आपका टर्म आया कन्वेक्स मिरर, अब इसका डिफिनेशन तो कह सकते हैं कन्वेक्स मिरर आर स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे द सेंटर, सेंटर से बाहरी पार्ट क्या हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मतलब स्मूथ, ठीक है। तो हम यहां पर डिफिनेशन लिख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर आर
spherical mirror in which reflecting surface to away, ठीक है, क्या लिखा टू अभी, ठीक है, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू अवे, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज भी लगा सकते हैं, इज अवे फ्रॉम द सेंटर, इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ ऑफ द स्फीयर। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउट कर्व आउट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम एक बात और आपको बताते हैं कि जो मैंने ला बताया था, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो उससे क्या है, वह एक अप्लीकेबल है किसके लिए, वाला तो स्फेरिकल मिरर के, इसी के लिए अप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसका पार्ट, स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो आज यही।